जिन्हें ख्वाहिश जन्नत की, शायद उन्होंने खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे नहीं देखे। बुलाते रहते हैं हर वक्त अपने आगोश में, पहाड़ों के वो इशारे नहीं देखे। नॉर्थ सिक्किम उन जगहों में से है जो ब्यूटी की डेफिनेशन को बयां करते हैं। हम में से कुछ लोगों को रगेड टेरेन पसंद है, कुछ को बर्फ से ढके हुए पहाड़, और बाकी कुछ ऐसे जिनको लश वाइल्ड फॉरेस्ट। एंड इन नॉर्थ सिक्किम यू गेट ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर। तो अगर आज आप ऐसे ही कुछ खूबसूरत नजारे और दिलकश इशारे देखने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। पिछले कुछ दिनों में 5 से 6,000 फीट हाइट पे रहने के बाद आज बारी थी करीब 9,000 फीट पे बने टाउन लाचेन तक जाने की। सिक्किम ब्रॉडली 4 districts में डिवाइडेड है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इन चारों districts की अपनी डिस्टिंक्ट ज्योग्राफी और कैरेक्टर है, बट नॉर्थ सिक्किम का चार्म कुछ अलग ही है। और अभी तो हम आधे रास्ते में ही थे, लेकिन मौसम ने हमारी एक्साइटमेंट ऑलरेडी बढ़ा दी थी। गैंगटॉक से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है चुंगथांग। ये एक छोटा सा टाउन है जो लाचेन और लाचुंग रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। यहाँ से नॉर्थ सिक्किम हाईवे बाइफरकेट होता है और एक रास्ता जाता है लाचुंग और दूसरा लाचेन की तरफ। इस पूरी जर्नी पे हम सिक्किम के काफी ब्रिजेस क्रॉस कर चुके थे, लेकिन ये एक स्पॉट कुछ अलग ही था। कलरफुल तीस्ता रिवर, घने जंगल, बर्फीले पहाड़ और इन दोनों के बीच मूविंग क्लाउड्स की लेयर्स। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा था, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती ही चली जा रही थी। ना सिर्फ नॉर्थ सिक्किम के टाउन और विलेजेस, बल्कि यहां तक का सफर भी एक फोटोग्राफर्स डिलाइट है। इतने सारे कलर्स, टेक्सचर्स और लैंडस्केप हैं कि आपकी गाड़ी रुकती रहेगी और कैमरा बंद नहीं होगा। इस ट्रिप की अभी तक की सबसे लंबी बट सैटिस्फाइंग 7 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे लाचेन। अराउंड 8800 फीट पे बने ये टाउन का लिटरल मीनिंग है बिग पास, और ये गुरुडोंगमार लेक के बेस कैंप की तरह सर्व करता है। नॉर्थ सिक्किम के लिए परमिट्स लेना मैंडेटरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट लाइज नियर द सेंसिटिव इंडो चाइना बॉर्डर एंड फॉल्स अंडर इंडियन आर्मीज ज्यूरिसडिक्शन। परमिट्स मिल आसानी से जाते हैं और आपके ड्राइवर्स आपके लिए अरेंज कर देंगे। लाचेन में मिनिमम 1 रात रुकना जरूरी है एक्लेमेटाइज करने के लिए। थोड़ा कंजेस्टेड होने के बाद भी लाचेन की गलियों और कलरफुल घरों ने हमें काफी इंप्रेस किया, शायद इसलिए भी क्योंकि मौसम भी मस्त ठंडा हो गया था। इवन दो यहाँ अभी भी समर्स ही हैं, तब भी हमारे लिए अच्छी खासी ठंड थी। यहाँ पे हमारा स्टे था खेनखिम रीजेंसी होटल में। एक लंबे दिन के बाद दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ प्लेस वन नीड्स, क्लीन, कोजी एंड कम्फर्टेबल। नेक्स्ट डे गुरुडोंगमार लेक के लिए जल्दी निकलना था और ऐसा लग रहा था कि हल्की हल्की ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी शुरू हो गई थी, तो इस दिन बस कंबल में घुस गए और रेस्ट किया। Thank you.
फाइनली आज का दिन सबसे एक्साइटिंग होने वाला था क्योंकि आज की जर्नी थी 8800 फीट से लेकर 17,800 फीट तक। इसके लिए सुबह जल्दी स्टार्ट करना होता है क्योंकि 11-12 बजे के बाद लेक पे वेदर खराब होना शुरू हो जाता है और विंड इतनी तेज हो जाती है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। अब रोड्स थोड़ी बेटर होने के बाद 67 किलोमीटर की यह जर्नी में करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। आई कैन श्योरली से कि ना सिर्फ ये सिक्किम की बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप्स में से एक होगी क्योंकि हर थोड़ी देर में लैंडस्केप और ब्रेथ टेकिंग होता जाता है, लेकिन साथ में हवा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी एनर्जी और एक्साइटमेंट को बचा के रखना होता है ताकि सेफली पहुंच सके। जब लाचेन से निकले थे तो आसपास के सब पहाड़ों पे ग्रीनरी थी, बट धीरे धीरे प्रीडोमिनेंट कलर्स हो गए ब्राउन और ग्रे। लाचेन से अराउंड 30 किलोमीटर बाद आता है थंगू विलेज, विच इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यू स्टॉप एंड गेट योर परमिट्स वेरीफाइड। यहाँ पे एक आर्मी बेस है जो पूरे साल इतने हार्श क्लाइमेट में भी ऑपरेशनल रहता है। इसको फार नॉर्थ का लास्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं एंड इट्स अ परफेक्ट पिट स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट एज वेल एज एक्लेमेटाइजेशन बिफोर यू पुश फर्दर। जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे वैसे वैसे कलर्स भी चेंज हो रहे थे, ग्रीन टू ब्राउन टू नाउ व्हाइट। ऐसा लग रहा था किसी पोर्टल से क्रॉस करके डायरेक्ट नानिया में आ गए। इस जगह की रोड्स यहाँ के हिसाब से काफी वेल मेंटेन्ड थी और इसी वजह से जहाँ पहले 5 से 6 घंटे एक तरफ लगते थे अब ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट आधा हो गया है, बट ऑल्टीट्यूड का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया था। इवन तो मैं बहुत एक्साइटेड था बट इस टाइम पे अपनी एनर्जी और ऑक्सीजन कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था। Soon we were on the final stretch of the journey. The landscape has again changed to black roads running through these vast barren landscapes with blue sky and soft cotton-like clouds. The car then took a turn and seemed to climb up, ending at the horizon. As the dust cloud formed by all the cabs settled, there stood the clear blue lake, a sight to the sore eyes. गाड़ी से उतरते ही पहले कुछ सेकंड्स तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ही अपने होश खो बैठे हैं। द लेक वॉज यूनिक, नथिंग लाइक एनीथिंग आई हैव एवर सीन। द परफेक्टली काम वाटर, द बैरन हिल ऑन वन साइड एंड अ स्नो क्लैड पीक ऑन दी अदर। ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक होगी। इस जगह की एक कहानी भी है। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, द लेक यूज्ड टू रिमेन फ्रोजन मोस्ट ऑफ द ईयर। एक बार जब बुद्धिज्म फाउंडर गुरु पद्मसंभवा यहाँ से जा रहे थे तो लोकल रेजिडेंट्स ने उनसे रिक्वेस्ट की कोई वाटर सोर्स की। उन्होंने लेक के एक पार्ट को छुआ और माना जाता है कि तब से एक्सट्रीम विंटर्स में भी लेक का वो हिस्सा फ्रीज नहीं होता। हो सकता है इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो, बट लाइक दिस प्लेस इवन दिस फोक टेल इज क्वाइट फैसिनेटिंग। कैब्स यहाँ पे एकदम एज तक छोड़ती हैं, जहां से लेक अराउंड 20-25 मीटर्स नीचे है। वन कैन गो बाय स्टेयर्स बट बिकॉज ऑक्सीजन लेवल्स आर लो इट्स एडवाइजेबल टू टेक सम रेस्ट बिफोर गोइंग डाउन। जब मैं नीचे उतरा और इन प्रेयर फ्लैग्स को छुआ तो ऐसा लगा कि तेज हवा के साथ ये सब विजिटर्स को पीस और काम का मैसेज भेज रहे हो। यहाँ पे लंबे समय तक रुकना या फिजिकल एक्सर्शन करना आपकी तबीयत और खराब कर सकता है। इवन इन सीढ़ियों से ऊपर नीचे आने में ही हालत खराब हो गई थी। तेज हवा, कड़ाके की ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों को सर दर्द या सर घूमना शुरू हो जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जैकेट से हाथ निकालना भी मुश्किल हो रहा था, और क्योंकि तबीयत पहले से ही थोड़ी ढीली थी इसलिए आफ्टर 30 मिनट्स वी डिसाइडेड दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टे एनी लॉन्गर। इतनी ज्यादा ठंड है ना, क्या लगता नहीं है 10-15 मिनट से ज्यादा रुक पाएंगे। So windy. हम लोग पहुंचे, अभी 9 बजे पहुंच गए हैं। ऐसा सुना था कि 10 बजे के बाद विंडी होता है, बट बहुत ज्यादा ठंड है। जैसे ही हम वापस निकले तो लगा कि मानो ये सब एक सपने जैसा हो, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। Unless you come here, it's hard to imagine what it feels like to be here.
As we descended, I had nothing but respect for the soldiers who are posted here throughout the year. This place is so remote and the climate is so hard that I cannot even imagine staying here for more than a day. इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी लाचुंग। यहाँ से निकलते हुए ऐसा लगा कि इससे बेटर व्यूज तो क्या ही मिलेंगे, बट वी वर सो रॉन्ग। ठंड बढ़ती गई और स्नो क्लैड पीक्स हमारे और नजदीक आते गए। जर्नी टू लाचुंग वॉज नथिंग लेस देन अनदर फेरी टेल। टू टॉप इट ऑल, रास्ते में हल्के हल्के स्नो फ्लेक्स भी गिरे। ओवरजॉयड बाय दिस, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। स्नोफॉल शुरू हो गया यार, खिड़की खोली अभी तो गाड़ी के अंदर आ रहा है। अब ये तो हमें पता था कि लाचुंग के रास्ते में कई सारे वाटरफॉल्स भी पड़ते हैं, पर ये नहीं मालूम था कि वाटरफॉल्स के साथ हाईवे पे हमें मिलेगा एक कैरियोके जंक्शन। सिक्किम में कैरियोके कल्चर इतना पॉपुलर है कि भीमनाला वाटरफॉल के पास एक फुल्ली सेटअप कैरियोके स्टॉल था राइट ऑन दी हाईवे। Lachung has also been described as the most picturesque village of Sikkim. At an elevation of 8600 feet, this place will rejuvenate your lungs with fresh, crisp and cold mountain air. यहाँ पे हमारा स्टे था बायुल होमस्टे में, जो मेन टाउन से दूर यहाँ के ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे था। And to say we were blown away by the location is an understatement. आज का दिन काफी लंबा था, लेकिन होमस्टे पहुंचते ही जो एक्साइटमेंट और एनर्जी बढ़ गई, क्या ही बताऊं। हिमालयन रेंज के 360 डिग्री व्यूज के साथ बायुल होमस्टे वॉज जस्ट व्हाट आवर सोल नीडेड। माउंट कटाओ यहां से इतना पास दिख रहा था कि बस ऐसा लगे कि छू कर वापस आ सकते हैं। जहां नजर घुमाओ वहीं एक व्यू पॉइंट। जितना खूबसूरत ये ऑनलाइन पिक्स में था, उससे कई गुना बेहतर था रियलिटी में। और सोचो ऐसी लोकेशन पे आपका वेलकम हो चाय पकौड़े के साथ, तो बस और क्या ही चाहिए। Bayul is a family-run homestay with three clean and cozy bedrooms. At the top of a hill with majestic beauty all around, this simple space along with its friendly host offers a comfortable homely vibe. तो अब ये जितना अभी जगह बचा है ना? हाँ जी। मैं जैसे मेरे पहले जमाना उस टाइम में शायद इस टाइम में रोड भी नहीं था, तो मेरे ग्रैंड मदर ने पूरा उसने ये मतलब रजिस्ट्रेशन करके रखा है ये पूरा लैंड। जी जी, उस टाइम मतलब आपका क्या था कि जब सिक्किम में राजा का टाइम ना किंग के टाइम में क्या होता है कि जो थोड़ा पावरफुल होता है वो अपना जमीन जितना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं आप उस टाइम ना, तो बेचारा उसने सब ले कर रखा है। तो बाद में जैसे हमारा हेड गुरु जी रिंपुची लाचुंग रिंपुची उन भी यहाँ उनका घर भी यहाँ है, तो अच्छा। उनकी वजह से गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी ने ये जो है ना रोड कंस्ट्रक्शन किया, ये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई ना, तो हमारे लिए एकदम गुड लोग है। नहीं तो आप सोचिए बिना रास्ते के हम यहाँ कैसे आएंगे, सोचिए तो एकदम। मैं खुद का लकी मानता हूँ, तो मैं लकी किसे, मैं अपना ग्रैंड मदर देता हूँ कि नहीं आप बोले तो सही बात। तो इसीलिए अगर मतलब और दूसरा कोई होते तो आप सोचिए था, लोग के पास पैसा है लेकिन जगह नहीं है, तो यहाँ आप सोचे कितना वैसे सेम वही वो यहाँ भी हो सकते हैं सच में, फिर सब नेचर डिस्ट्रॉय सच में, क्योंकि लोग को ना नेचर डिस्ट्रॉय करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पैसा है ना वो दिमाग में नहीं होते, लेकिन हमको ना पैसा भी नहीं चाहिए, ये जो अभी मेरा लाइफ स्टाइल इतना काफ़ी है, क्योंकि बेचारा गेस्ट जो भी गेस्ट आते हैं ना उसको ये जगह चाहिए। बिल्कुल, जैसे टूरिस्ट आके बाहर जाके उसको फ्रेश ऐसे लोकेशन होना चाहिए ना,
अब क्या होते डायरेक्ट आते बेचारा रूम में चला जाते, फिर बोलते डिनर डिनर खाने आ जाओ, फिर ब्रेकफास्ट, फिर जा चेकआउट। बेचारा यहाँ का जो क्या कुछ ऐसा होता है जो नेचुरल जो चीज़ उसको देखने का चांस नहीं मिलते है ना। लाइक जैसे आप यहाँ आपने देखा ना यहाँ हर चीज़ है ना। और इससे पहले तक मुझे यही लगता था जो लोग एक दिन दो दिन के लिए आए बस उतना, लेकिन यहाँ आपके घर आके ना सही में लग रहा है कि एक दो दिन नहीं यार, यहाँ पे लॉन्ग स्टे के लिए आना बनता है। मैं अब क्या हूँ जैसे आप जैसे यहाँ पहुँच के आप सोचे तो लाइक आपको और दिन रुकना आपको और पसंद कर रहे हैं ना, आपको क्योंकि आपको मन कर रहे हैं ना। अब मान लो अगर आपको जैसे ये लोकेशन आपको अगर आपको नहीं मिलता तो आप मान लो एक रात तो मुश्किल रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट डे आप चला जाएंगे लाचेन में ना? तो रहे ना होटल में रहे एक रात, वहाँ पे रहे उसके बाद आगे गए और चेकआउट। जी वही था जैसे यहाँ आप... पे तो एक मेरे को लगता है कि लाचुंग के इतना पास होने के बाद भी जी जी। ये एक एक मिनी लाचुंग यहाँ पे आपका अपना है जहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि नेचर स्टिल प्रिजर्व। आप देखे ना अब ये जो नीचे रोड अब ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा भी नहीं है आपका, कितना 1 किलोमीटर तो होगा उस उतने में आप जैसे आप वॉक करके जाएंगे ना अब हर चीज़ मिल जाएगा। जैसे ब्लूबेरी का पौधा मिल जाएगा, वाइल्ड ब्लूबेरी का, जैसे हम लोग कभी वो मतलब कलेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल रहता है, जैसे विंटर में दिसंबर जनवरी में उसका प्लॉकिंग सिस्टम होता है ना, तो हम थोड़ा थोड़ा वाइन भी बनाते हैं। और ये वाइल्ड ऑर्किड है आपका, बहुत चीज़ है लेकिन उसमें उतना मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी मैं जो भी है आपको शेयर किया। और एक तो वेदर इतना इतना सही जी है जी जी। हम लोग वेस्ट सिक्किम में पहले घूमे, उसके बाद नॉर्थ सिक्किम जोंगू से स्टार्ट किया, लेकिन जो वो पहाड़ों वाला फील हमें जो आया ना वो यहाँ या लाचेन और लाचुंग यहाँ पहुँच के ही आया। तो यहाँ क्या पूरे साल ठंडा रहता है क्या? ठंडा देखिए अभी जितना अभी जैसे ये है अभी ये जो अभी टेम्परेचर देखना ये हमारा समर, ये समर है जी अभी ये, इससे ज्यादा गर्म कभी नहीं होगा, ज्यादा नहीं अभी इतना ही बस। अब देखिए ना ये मैं होल 12 मंथ में ये मेरा ये देखिए मैं कभी ना थोड़ा शॉर्ट पहनना मुझे पसंद, लेकिन वो चांस ही नहीं मिलते सच में ऐसा होता है मुझे कभी ना। जैसे आप लोग बीच में ऐसे वो है ना छोटा छोटा कपड़ा पहन के बैठते हैं ना, मुझे ऐसा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या ऑप्शन है, यहाँ तो अगर बैठेगा ना वहीं भी गिर जाएगा। तो आज का प्लान था युमथांग वैली जाने का। लाचुंग से 30 किलोमीटर दूर यहाँ का रास्ता जाता है रोडोडेंड्रॉन सैंक्चुरीज, माइटी ग्लेशियर्स और देवदार फॉरेस्ट से होके। गुरु डोंगमार की तरह यहाँ लैंडस्केप्स में बहुत स्टार्क चेंजेस तो नहीं आते, पर रास्ता ऐसा जरूर था कि मन करता है कि बस खत्म ही ना हो। युमथांग पहुंचते ही पहले 3 वर्ड्स जो मुंह से निकले वो थे ओ माय गॉड। टावरिंग माउंटेन्स एकदम आंखों के सामने और पैरों के नीचे पर्पल फूलों का कार्पेट। यहां पहुंचते ही लगा कि बस अब और कहीं नहीं जाना। युमथांग का लिटरल ट्रांसलेशन होता है वैली ऑफ फ्लावर्स, और यहां पहुंच के पता चला कि इसे ये क्यों बोलते हैं। शायद एरियल व्यू में ये बहुत ज्यादा बड़ी ना दिखे, बट यहाँ के हर छोटे छोटे एलिमेंट्स इस जगह को बहुत ही एक्सोटिक बनाते हैं। दूर तक फैली हुई घास की चादर, उनके ऊपर पर्पल फ्लावर्स की टॉपिंग, घास चरते हुए याक्स, हवा से फड़फड़ाते हुए प्रेयर फ्लैग्स और कामली बहती हुई नदी की आवाज। इवन इफ यू आर नॉट अ नेचर लवर, यू आर श्योरली बाउंड टू फॉल इन लव विद द इनक्रेडिबल ब्लेंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस वैली। युमथांग में कैसे 3-4 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। यहाँ से निकलने के लिए जैसे तैसे मन को मनाया, पर जो आगे होने वाला था वो हमने भी नहीं सोचा था। जब हम वापस लाचुंग जा रहे थे तो अचानक हमारे ड्राइवर ने गाड़ी पे ब्रेक लगाई और बस एक वर्ड बोला, स्नोफॉल। जब गाड़ी से बाहर उतरे तो देखा कि सब कुछ धीरे धीरे ग्रीन से वाइट टर्न हो रहा था। हम एक जंगल के बीचों बीच थे और ऐसा लगा कि डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो गए हैं किसी मैजिकल वंडरलैंड में। जहां नजर घुमाए वहां खूबसूरती का एक अलग ही नजारा था।
बायुल वापस आने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले 2-3 दिन कैसे बीते। ऑफ कोर्स पहले से ही फोटोज देख के मुझे पता था कि ये जगहें बहुत ही मेस्मराइजिंग होने वाली थी, बट इनका एक्चुअल एक्सपीरियंस सरपास्ड ऑल माय एक्सपेक्टेशंस। अभी बस मैं और ज्यादा नहीं सोचना चाहता था क्योंकि अभी भी कुछ पल बाकी थे। आफ्टर ऑल वी वर स्टेइंग एट अ लोकेशन विच वॉज हैंड्स डाउन द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन लाचुंग, अ प्लेस वेयर यू कैन एडमायर द माइंड ब्लोइंग ब्यूटी ऑफ नेचर राइट फ्रॉम योर कोर्टयार्ड। नॉर्थ सिक्किम आके मुझे ऐसा लगा कि ये वो जगह है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को शांत कर देती है। दो द जर्नी इज बैक ब्रेकिंग बट द डेस्टिनेशन इज वर्थ ऑल द ट्रबल। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिक्किम की ट्रिप यहाँ आए बिना कंप्लीट नहीं होगी, बट रादर ये कहूंगा कि बहुत जल्द सिक्किम की एक ट्रिप सिर्फ यहाँ आने के लिए प्लान होगी। द हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, सेक्लूडेड विलेजेस, जॉ ड्रॉपिंग विस्टास एंड द सीरीन वैलीज हैव लेफ्ट मी स्पीचलेस एट एवरी ट्विस्ट एंड टर्न ऑन दिस जर्नी।